Which of the following quotes given below contains only the correct statements? स्टेटमेंट्स, चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य तर्कवाक्य सही है? 1, चार ऑप्शन इन्हें ध्यान से सुनिएगा। वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। 2, वेन डायग्राम इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कैटेगोरिकल से परेशान मत होइएगा, यही चार स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीमाइसेस प्रपोजिशंस, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशंस, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल, नो मैन इज मॉर्टल, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशंस, सम मेन आर मॉर्टल, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशंस, सम मेन आर नॉट मॉर्टल, दीज आर कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, इसलिए परेशान मत होइएगा। इन वेन डायग्राम मेथड द प्रीमिसेस एंड द कंक्लूजन ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज डायग्राम्ड। फोर्थ स्टेटमेंट है, इन वेन डायग्राम मेथड द थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स आर ड्रॉन फॉर टेस्टिंग ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। जैसे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को हम लोग जब वेन डायग्राम से करते हैं तो तीन मेथड होता है। फर्स्ट होता है ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल। सेकेंड जो फेज होता है सम मेन आर मॉर्टल, सम मेन आर मॉर्टल। थर्ड वे जो होता है, इन द लास्ट वे होता है नो मैन इज मॉर्टल। देयर आर थ्री वेज कैसे हम इनको कर पाते हैं, और ये तीनों वेन डायग्राम जो एक सिलोजिज्म में एक बेस प्रीमिसेस होता है, कंक्लूजन होता है, इसमें एक मिडिल टर्म होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, इन दोनों में किसी एक में एक मिडिल टर्म दोनों में कॉमन रहता है, एक में सेकेंडरी और एक में प्राइमरी। इन्हीं एस पी और एम, इन्हीं तीनों के लिए तीन सर्किल आते हैं, इन्हीं तीन सर्किल से ये पूरा सिस्टम बनता है। इसका आंसर क्या है? जैसे पहला आंसर है 1, 2 एंड 3, दूसरा आंसर है 1, 2 एंड 4, तीसरा आंसर है 2, 3 एंड 4, चौथा आंसर है 1, 3 एंड 4। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, विच ऑफ द कोट्स गिवन बिलो कंटेन्स ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, स्टेटमेंट पहला 1, वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। यस। 2, वेन डायग्राम इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। यस, यह है। तीसरा, इन वेन डायग्राम मेथड द प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज डायग्राम्ड। कभी नहीं, कंक्लूजन को कभी डायग्राम में नहीं लिया जाता, हमेशा बेस प्रीमिसेस को लिया जाता है, प्रीमिसेस को लिया जाता है, आधार वाक्यों को लिया जाता है। कंक्लूजन अपने आप उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, उसे ड्रॉ नहीं किया जाता। ये तीसरा नहीं होगा। चौथा देखिए होगा कि नहीं होगा, इन वेन डायग्राम मेथड द थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स आर ड्रॉन फॉर टेस्टिंग ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। जी बिल्कुल, थ्री हम लोग करते हैं। अगर हमने कहा ऑल मेन आर, ऑल मेन आर मॉर्टल, इस बात को देखिएगा, राम इज अ मैन, आंसर है राम इज मॉर्टल। अब जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसी प्रीमिसेस को ड्रॉ करेंगे जिन्हें आधार वाक्य कहते हैं, ऊपर के इन्हीं दो को ड्रॉ करेंगे, इसको सिर्फ चेक करेंगे। जो तीसरा स्टेटमेंट मैंने बोला साहब, इन वेन डायग्राम मेथड द प्रीमिसेस एंड द कंक्लूजन ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज डायग्राम्ड, नो, कंक्लूजन नहीं डायग्राम्ड होता। अब देखिए इन्हीं दोनों को कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल, तो मेन अंदर हो गया, मॉर्टल बाहर हो गया, ऑल मेन आर मॉर्टल। अब दूसरा, राम इज अ मैन, अब हम इसे राम ड्रॉ करेंगे। राम कहां पर है? राम इज अ मैन, राम इसके अंदर है, यहां पर है, कहीं हो सकता है, राम इज अ मैन। यही थ्री स्टेटमेंट्स, थ्री सर्कल्स हम ड्रॉ करते हैं। अब ये ओवरलैप करें, इंटरसेक्ट करें, या एक दूसरे से बाइफरकेट करें, दूर दूर रहें, बट यही थ्री वो सर्कल्स हैं जो पूछा गया है। अब आप इसको टेस्ट करना होता है कि देखो राम इज मॉर्टल, ये ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, राम इज मॉर्टल, ये मॉर्टल के सर्कल के पूरे डोमेन में ही अंदर है, इसलिए राम इज मॉर्टल। इसका आंसर आया कि साहब वैलिड, हमारा आंसर जो है वैलिड है। बाय दिस वे वी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर ऑनेस्ट इज फॉल्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू, चूज द करेक्ट कोट्स गिवन बिलो। पहला जो स्टेटमेंट है वो है ऑल मेन आर ऑनेस्ट, दूसरा है नो मेन आर ऑनेस्ट, तीसरा है सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, चौथा है ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट। अब आप सोचिए एक आईआईटीएन को अगर ये क्वेश्चन करने को दिया जाए, आईआईटीएन लेवल का स्टूडेंट इसको कर तो लेगा, कर भी लेगा तो कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि सर आई एम श्योर। मैंने इसके लिए आपको एक वैलिडिटी चार्ट बताया था, वैलिडिटी चार्ट के माध्यम से बताया था कि आप एक वैलिडिटी चार्ट ऐसे बनाइएगा, ऐसे 1 2 3, ये ए के लिए है, ई के लिए है, आई और ओ इन डोमेन्स के लिए है ये। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, डाउटफुल 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 डाउटफुल, ऐसे भरिएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ये मैंने सिखाया है आपको, नहीं भी सीखा है तो पकड़िए। इफ सबको कोडिफाई करिए, इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर ऑनेस्ट इज फॉल्स, तो सम मेन आर ऑनेस्ट किस प्रकार का है? कैटेगोरिकल प्रीमिसेस में, प्रपोजिशंस में चार तरीके का वाक्य हो सकता है, सेंटेंस, प्रपोजिशन, स्टेटमेंट, पांचवा कोई वे ही नहीं है पूछे जाने का, बात करने का। ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीमिसेस है आई, ये आई है, और आई के बारे में जो डिक्लेरेशन है वो है इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी दो बात आपको मालूम है तो अब कोई परेशानी नहीं है। चार स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं उनके बारे में जरा पता करिए। पहला स्टेटमेंट है ऑल मेन आर मॉर्टल, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीमाइस है, ये ए है, पहला स्टेटमेंट ए जो है ये ए है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नो मेन आर ऑनेस्ट, यानी ये आई है, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। तीसरा स्टेटमेंट है सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, ये साहब पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है। चौथा है ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में एक टर्म डिसऑनेस्ट आ गया तो ये तो मिसमैच हो गया। अब आपको समझना होगा इसे, डिसऑनेस्ट को ऑनेस्ट पर लाइए। डिसऑनेस्ट का मतलब जरा मुझे ऑनेस्ट की लैंग्वेज में बताइए कि अगर डिसऑनेस्ट को मुझे ऑनेस्ट के रूप में इंग्लिश में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है कि ऊपन प्रेमचंद रोट अ लेटर, रोट अ नॉवेल, या अ नॉवेल वाज रिटन बाय प्रेमचंद। ऑल मेन आर अब्सेंट, ऑल टीचर्स आर अब्सेंट टूडे, यानी नो टीचर इज प्रेजेंट टुडे, इस रूप में कह सकते हैं। तो ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट शब्द लाना है तो क्या बोलेंगे? नॉट ऑनेस्ट। ऑल मेन आर नॉट ऑनेस्ट हमें बोलना है, इसका मतलब है कि नो मैन इज ऑनेस्ट। अगर हमें ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट को यह कहना पड़ा नो स्टूडेंट आर एब्सेंट, तो दोनों बातें सही हैं। तो हमें लाना क्या? हमें ऑनेस्ट लाना है। तो चौथा जो स्टेटमेंट है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए। आप बताइए कि इस डिसऑनेस्ट को, ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट, इस बात को हमें ऑनेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिखिए। हम इसको यहां आपको वैलिडिटी इसकी बताते हैं, चारों स्टेटमेंट की बताते हैं, इसका आप बताइएगा, यही आपकी टेस्टिंग है। आई पर आए, द स्टेटमेंट गिवन इज आई, यहां पर आए, यहां आई पर हाथ रखा, आई इज फॉल्स, आई इज डिक्लेयर्ड फॉल्स, तो हम यहां पर आए, यहां कैपिटल, हमेशा कैपिटल से शुरू करते हैं। स्मॉल लेटर और कैपिटल का जो फर्क है, स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, इसका सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब है कि हम इस लाइन से टेस्ट करेंगे, इस लाइन में नहीं करेंगे, इसी रो में रहेंगे। अब साहब पहला जो स्टेटमेंट है आप छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट क्या है? ऑल मैन, नो मैन, डिसऑनेस्ट, छोड़ दीजिए, पहला स्टेटमेंट ए है। अब हम इस रो में गए, ए को चेक किया तो हमें ए मिला फॉल्स। अब दूसरा स्टेटमेंट ई है, इस रो में गए, ई वाले रो में आए तो हमें मिला ट्रू। तीसरा स्टेटमेंट ओ है, तो ओ साहब ये है, इस रो में गए, यहां आए तो ओ भी हमें मिला ट्रू। और चौथा स्टेटमेंट क्या है? ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट अगर है तो इसका मतलब हो गया ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट, इसको चेंज करिए, यानी